brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. इसरो ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रखा है, क्योंकि ये एक के बाद एक कई मिशन के जरिए दुनिया को हैरान कर रहा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को मजबूत भी कर रहा। इसी कड़ी में इसरो ने 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए एक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल विकसित किया। ये इंजन गेम चेंजर हो सकता है भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए। इसे इसरो ने 2 मई को IPRC में सफलतापूर्वक आयोजित किया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे इसरो ने फिर से किया बड़ा खेल। अंतरिक्ष एजेंसी एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रही है, जो कि इंजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा और भविष्य में जितने इंजन लॉन्च होंगे उसकी भी क्षमता को बढ़ावा देगा। इंजन इग्निशन एक स्टार्ट फ्यूल एम्प्यूल का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जो VSEC द्वारा विकसित ट्रिएथिल एल्यूमिनाइड और ट्रिएथिल बोरॉन के संयोजन पर काम करता है और इंजन में पहली बार उपयोग किया जाता है। इसरो ने कहा कि प्री बर्नर का सफल इग्निशन इंजन के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये सभी परीक्षणों के बाद होगा। इसरो ने कहा 120 टन लोडिंग के साथ साथ अर्थ कार्यों का चरण का विकास भी प्रगति पर है। वैसे जिस तरह से इसरो ने ये कमाल किया है, वो इस बात को साफ बताता है कि भारत अब अंतरिक्ष में किसी महाशक्ति से कम नहीं है। अगर बात करें कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, तो बता दें भविष्य में लॉन्च होने वाले इंजन की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, जिसके कारण हम अंतरिक्ष में शक्तिशाली उपग्रह यानी कि सैटेलाइट भेज सकेंगे। इस तकनीक ने और भी अच्छे मिशन के लिए राह खोल दी है। इस सेमी क्रायो प्री बर्नर का लॉन्च होना इसरो की बेहतरीन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसके साथ साथ ही ये भारत के मेड इन इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसरो ने जो किया उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।